हेलो एवरीवन। सो कंपनी है उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है। कंपनी लिस्टेड हुई थी NSE पे 2019 में दिसंबर के मंथ में। देन उसके बाद कंपनी कंटिन्यूस नीचे ही आती गई है। एंड कंपनी का जो जो लास्ट ड्रॉप जोन बना, यानी कि सबसे जो लो जोन बना है, वो तकरीबन रहा है 13-14 रुपये के आसपास का। देन उसके बाद कंपनी ने फिर से मूव लिया ऊपर को। देन अभी है क्या, कंपनी एक बैरिश यानी कि साइडवेज स्टॉप लेने के बाद उसके बाद कंपनी ने फिर से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ के लिए विथ वॉल्यूम। तो वो कुछ यहाँ पे है। अगर हम इसको प्रॉपर देखें, मैंने इसकी यहाँ पे जिस टाइम बनाई थी मैंने, तो उस टाइम पे ये स्टॉक इस पोर्शन पे यहाँ पे कहीं पे था। देन अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिनों में कितना अच्छा चल चुका है। एंड अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी इसके स्ट्रॉन्ग बने हैं। नीचे अगर वॉल्यूम यहाँ पर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे बने हैं। अगर फंडामेंटल्स की हम बात करें तो फंडामेंटल कंपनी के अच्छे आते जा रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं कंपनी का ROCE है 12.8%, ROE है 39.2%, जो काफ़ी सही है। कंपनी का जो प्रॉफिट आया 2023 का, वो 1,100 करोड़ का आया है। बैलेंस शीट कंपनी की जो लास्ट थी, यानी कि 2022 की शो कर रही है फिलहाल। बोरिंग्स कंपनी के पास बहुत हैं। बोरिंग्स हैं 20,056 करोड़ की, रिजर्व है 874 करोड़ का। एंड इन्वेस्टर्स हैं, प्रोनोटर की होल्डिंग है 73.67, FFIs की होल्डिंग है 1.96, DIs की होल्डिंग है 8.35 एंड पब्लिक की होल्डिंग है 16.00। सो बस वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है यार, राइजिंग वॉल्यूम है, यानी कि जिस जिस जो जो जितनी लंबी कैंडल ऊपर जाती जा रही है, उतनी ही नीचे अच्छा वॉल्यूम बनते जा रहे हैं। अगर तीसरी कैंडल और ऊपर जाती है, फिर से वॉल्यूम बन गया, तो इट मीन्स कंपनी स्ट्रांग है एंड कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि अभी इस जगह पे स्टॉप लिया है ना, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहीं पर स्टॉप लिया हुआ है। अगर पीछे भी देखें तो पीछे भी शो करेगी आपको प्रॉपर। यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूँ तो ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कितने का टकराया हुआ है ये। सो बस अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए फिर आगे यहाँ की हो सकती है 38 रुपये के आसपास इधर कहीं। सो बस आज के लिए इतना ही। डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।